है कि जब भी पेपर आता है तो सॉल्यूशन जो है ना सबसे पहले जस्ट 12 क्लासेस लेकर आते हैं साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, चैनल को क्या किया कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा लिया कीजिए और बेल आइकन को भी, ताकि कोई भी एग्जाम से, रिजल्ट से रिलेटेड, कॉपी कैसे चेक होती है ये सब आए तो आपको सबसे पहले पता चले। चलिए जी शुरुआत करते हैं। ये पेपर कोड हमारा एक है 347 GN, ठीक है, 2022 का पेपर रसायन विज्ञान का। आई होप आप सबका जो पेपर है ना वो बहुत बढ़िया हुआ होगा, बहुत शानदार हुआ होगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक कितना है 70 है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने दिया गया, सब आपने कर लिया होगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं बताने वाला हूँ। अब मैं हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपना उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला क्वेश्चन, ये मैंने अपने पहले चैप्टर के अभी भी वीडियो पढ़ी हुई है, अगर जाके देखोगे ना तो ये वीडियो मतलब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना क्या है, काय केंद्रित घन एकक सेल है यानी BCC, FCC है, ऑर्थोरोम्बिक है या चतुष्कोणीय। तो मैं बता दूं आपको, इसमें जो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl हमारी है वह FCC संरचना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इसको कहते हैं, ठीक है। फलक केंद्रित घन है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घन। यानी पहला, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 आंसर लिख कर आया है वो एक नंबर अपना जोड़ ले, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपका सही होगा, बहुत आसान भी है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपने सॉल्यूशन तो पूछा नहीं होगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आंसर बताऊंगा सीधे। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलरता बिलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा, जब आप सॉल्व करोगे तो सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलरता बिलियन के 500 ml में 10.6 ग्राम की मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी, 10.6 ग्राम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहा है तीसरा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग का स्थिरांक का मात्रक। देखो प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होती है उसका या तो होता है, या तो मिल जाएगा मिनट पे -1 या प्रति मिनट या सेकेंड पर -1। तो देखिए इसमें मीटर तो -1 है नहीं, है सेकेंड पे -1, ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा, चौथा नंबर इज राइट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या होगा, 4 नंबर इज राइट, ये वाला आपने अगर किया है तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा गाइस। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है हमारा। कह रहा है निम्न में से कौन सा फेलिंग बिलियन को अपचयित नहीं करता, फेलिंग बिलियन को कौन अपचयित नहीं करता। तो आपको पता है कि जो, ठीक है, CH3COOH होता है, ठीक है, यह फेलिंग बिलियन को अपचयित नहीं करता है जी। क्या फेलिंग बिलियन को अपचयित नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज वेरी वेरी परफेक्ट एंड राइट आंसर गाइस। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हमारे दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही है, सभी लोग पास होना अच्छे से। अगला देखिए कह रहा है एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया कौन सा है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इजी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, मैं देखूंगा किसका सही, अगर सही है तो अच्छा नंबर पक्का पाने वाले हो। तो अगला देखो 4 नंबर, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। तो गाइस ये रहा आपका सभी ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर तो यहीं से तैयार हो गया, बाकी अगर आप कहते हो कि सर पूरा सॉल्यूशन करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का देखो बहुत अच्छा अच्छा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयनिक ठोस के फलक घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई इतना दे रखा है, यदि धनायन की त्रिज्या है तो ऋण की त्रिज्या, बहुत आसान है, इसमें आप ओ वाला फार्मूला R+R- वाला लगाना, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे। तो ये बहुत अच्छा प्यारा, अगर पूरा सॉल्यूशन करोगे तो हम करवा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कमेंट बॉक्स में राइट नाउ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो और बताओ कि कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, बताओ चला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कोई दिक्कत होता है आप लोग जस्ट वेल क्लासेस क्या कीजिएगा, जस्ट वेल क्लासेस
टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऑल दी वेरी बेस्ट। आई उम्मीद मैंने वीडियो भी डाला, बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा वो भी देख लीजिएगा, कॉपी कैसे चाहिए सब कुछ डाल रखा है वो देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा नंबर आए, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तो ये चाहता हूँ। आप सबके लिए यही दुआ करूँगा, यही आपसे आपके लिए विश करूँगा कि अच्छा नंबर आए, बेस्ट आए और आप टॉप करो, टॉप में आओ। टॉप करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।